सीतामढ़ी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत महाराज बाग चौक से पुलिस ने बिहार से नागपुर आए तीन आरोपियों के पास से करीबन 60,000 रुपए कीमत का 3 किलो 800 ग्राम गांजा बरामद किया है। जी हां, इस मामले में सीतामढ़ी पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों को सोमवार को अदालत में पेश किया गया, जहाँ अदालत ने 29 जनवरी तक तीनों आरोपियों को पुलिस कस्टडी रिमांड में भेज दिया है। इस मामले में सीतामढ़ी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अतुल सबनीस ने वीकेबी न्यूज को बताया कि तीनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। कल 23 जनवरी को शाम को हमें इन्फॉर्मेशन मिला, महाराज बाग रोड पे तीन लोग गांजा बिक्री के लिए आने वाले हैं। अकॉर्डिंगली हमारे स्टाफ ने वहाँ पे ट्रैप लगाया और तीन सस्पेक्टेड लोग हमें दिखाई दिए। उनको जगह पे ही हमने ताबे में लिया और उनका सर्च लिया तो उनके ताबे में 3 किलो 827 ग्राम गांजा मिल गया। वो हमने जब्त किया और तीनों आरोपियों को अरेस्ट किया है। तीनों आरोपियों को अभी कोर्ट में प्रोड्यूस किया है, 29 तारीख तक कस्टडी मिली है। उन्होंने इसके पहले कुछ लाया था या इसके पहले किसको दिया है या तो फिर उनके ऊपर कुछ इसके पहले कुछ केसेस हुए हैं, इसकी तफ्तीश जारी है। इन्वेस्टिगेशन में अभी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में तो ये मालूम पड़ा है कि बिहार से वो लाए थे, लेकिन अभी आगे की तफ्तीश चालू है। Love you, Deepika. Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।